हमारे यहाँ माइनॉरिटीज को कुछ भी नहीं है, सब बड़े खुश हैं। अच्छा, अदारों में ना हम होली मनाने की इजाजत नहीं देंगे। हमारे यहाँ तो ऐसे कोई वाक्य पेश नहीं आते। नहीं, उनको शौक है कि हम होली बैन कर दें। एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में होली सेलिब्रेट करना बैन है। किस लॉ के तहत आप ये सब कुछ बैन कर सकते हैं? क्यों भी पाकिस्तानी हो, तुम्हारा इस्लाम इतना कमजोर है कि होली के रंगों से खतरे में आ गया। और अगर कभी कोई इक्का दुक्का ऐसा वाक्या पेश आएगा तो गुलाम वसन को बता दें। हिंदू ना हिंदू, मैं आपको एक बात बताऊं। ठीक है, हिंदू आप बोल। कुफर और इस्लाम इस वक्त दो चीजें हैं दुनिया में, एक इस्लाम है और एक कुफर है। हम ये नहीं कह सकते कि कुफर इस्लाम को ये इजाजत देता है तो हम जो इस्लाम है ना वो कुफर को इजाजत देगा तो फलां कर लें। लानत है तुम लोग पे, लानत। कि हमारी पूरी रियासत जालिम के साथ नहीं खड़ी होगी, मजलूम के साथ खड़ी होगी। ऐसा ही है गुलाम नबी शाह साहब। पाकिस्तान में जी बड़ी ताजा तरीन खबर आई है कि इस्लाम फिर से खतरे में आ गया है। 98% मुसलमान रहते हैं, वहाँ 2% हिंदुओं से भी इनको खतरा है। ये कहीं भी इस्लाम में शरीयत में इजाजत नहीं है कि आप उनको, अगर वो उधर नमाज अदा करने देते हैं तो आपको उनकी इजाजत दें तो फिर वो यूनिवर्सिटी में अपना मंदिर बना लें। निकल पहली फुर्सत में निकल, अपने यहाँ से पंजाबी बंद कर दीजिए, रावी के पानी में हो सके तो जहर खोल दीजिए क्योंकि वो इस्लाम के आने से पहले का है, व्यास में भी ऐसा ही कर दीजिए, इंडस में भी ऐसा कीजिए बिकॉज कि सारा जो अमृत है वो जमजम में ही है। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। अच्छा। बड़ा बेहतरीन हो गया, ठीक हो चले। और अपने आपको ये जज्बे वाली कौम बताते हैं, निडर पाकिस्तानी बताते हैं। अबे डरपोक हो तुम, डरपोक, होली के रंगों से डर गए। भारत से आने वाली हर चीज का बैन करो, हवा का बैन करो, पानी का बैन करो, मिट्टी का बैन करो, फिर टमाटर बनाने के ट्रेड कहां से लाओ? अच्छा बताएं क्या कर रहे हैं आप, बताएं बताएं बाकी आपको, हम भी फिर आपको बता देते कि आपके यहां कहां का क्या क्या कुछ हो रहा है। आप बताएं ना कि हम क्या कर रहे हैं, बताएं आप। इस्लाम में ये नहीं है कि इज्जत दें किसी के मजहब को, किसी के मजहब को। आप एक मुशरिक को इज्जत देंगे जो कहेगा कि अल्लाह के साथ शरीक होता है? और बढ़ने से ज्यादा कम क्यों होती चली गई? ऐसा क्या कर दिया आपने? आप आदमखोर शेर तो है नहीं जो किसी इंसान को खा रहे हैं। बेसिकली आपने उनको भगा दिया, बेसिकली आपने उनको मार दिया, और जो बच गए उन पर जुल्म ढा रहे हैं, उनसे जबरदस्ती शादियां कर रहे हैं। अब आए दिन आखियां टीवी रखिएगा। कल्चर है हमारी, जो सकाफत है हमारी, इस्लामी आइडियोलॉजी खतरे में है। और पाकिस्तान की हायर एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि आज के बाद पाकिस्तान में कोई होली नहीं खेलेगा। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। पाकिस्तान की कायरता के चर्चे पूरे विश्व में है। yes! पाकिस्तान ने एक और कायराना काम कर दिया। क्यों? पाकिस्तान में होली के रंगों को बैन कर दिया। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये 98% मुसलमान 2% हिंदुओं से डर गए। दो भी पूरे नहीं, डेढ़ी है आज की डेट में। इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर होली खेलना ही मना कर दिया। और अगर आपको याद हो तो होली के टाइम पे लाहौर यूनिवर्सिटी के अंदर हिंदू बच्चे रंग खेल रहे थे, इनको इन्होंने मारा भी था। इन पाकिस्तानियों ने पूरी जिंदगी ये कह के गुजार दी कि भारत के अंदर मुसलमानों पे जुल्म होता है। तो बेगैरत तो तुम क्या कर रहे हो? ये तुम हिंदुओं पे जुल्म नहीं कर रहे थे और क्या कर रहे हो? ये डॉक्टर फिजा अकबर खान, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, आप इस मुद्दे पे वीडियो जरूर बनाना, लेकिन मुझे पता आप नहीं बनाएंगे। ऐसे नहीं चलेगा। और पाकिस्तान की पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस न्यूज को ब्रेक ही नहीं किया। कोई इक्का दुक्का किसी ने बोला है तो बोला है, नहीं तो खबर ही नहीं है ये। तो इसी मुद्दे पे पाकिस्तान पब्लिक की क्या राय है वो भी सुनते हैं, और मैं मिलूंगा आपको सीधा आखिरी में। ठीक है जी। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। अच्छा। बड़ा बेहतरीन हो गया, ठीक हो चले। अगर हिंदुओं की बात करें, क्या ये पाकिस्तान हिंदुओं का नहीं है? आपने भला क्या, आप खुद सोचें कि आपने सवाल क्या किया है। मैंने ये सवाल किया है कि जो होली पे पाबंदी लगाई गई है वो ठीक है या गलत है? आपने बोला यूनिवर्सिटी में, तो आपने बोला ठीक। यूनिवर्सिटीज में बताएं पाकिस्तान ने, क्या पाकिस्तान भर में हिंदुओं को पाबंदी लगा दी है कि हिंदू कभी अपनी त्यौहार नहीं मना सकते? ठीक है, नहीं ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की जो इस्लामिक यूनिवर्सिटीज है ना, इस्लामिक तमाम यूनिवर्सिटीज है, हमारे अपने अदारे हैं, ठीक है, अदारों में ना हम होली मनाने की इजाजत नहीं देंगे, बाकी आप अपने घरों में मनाएं, बाहर चौक है, जिधर मर्जी मनाएं, हम आपको नहीं रोकेंगे। ठीक है, इस बात उन यूनिवर्सिटीज में क्या हिंदू नहीं पढ़ते? हाँ, हिंदू पढ़ते हैं। आप हिंदू देखे ना, किसी एक मस्जिद यूनिवर्सिटी में बताया हिंदुओं की कि वहाँ पर हम मुसलमानों को इजाजत दी जाती है कि यहाँ पर आप महफिल पाक सजाएं, हुजूर अलैहि सलाम के नारे लगवाएं। ये मैं आपको श्योरिटी से बात कर रहा हूँ यहाँ पे खड़े होकर, कि इंडिया में बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी, आई थिंक सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज होंगी कि जहाँ पर बाकायदा नमाज के लिए जगह है, मस्जिद होती है, वो वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं मुसलमान। नमाज एक और चीज है, त्यौहार एक और चीज है। आप बताएं, नमाज त्यौहार में थोड़ा ना आता है।
वो फर्ज है हिंदुओं के लिए। वो देखें जैसे हमारे लिए नमाज पढ़ना, हमारे लिए अजान देना, अजान सुनना एक बहुत रिस्पेक्टफुल और एक चीज है, फरीजा है हमारा मुसलमानों का, वो हमारा फरीजा है, त्यौहार वो और है। ठीक है, क्या यहाँ पे आपने बोला कि भाई नमाज और चीज है और त्यौहार और चीज है? एक मिनट मेरी बात कर, मुझे सवाल करने दे। नमाज इबादत है, बिल्कुल हिंदुओं की पूजा इबादत होती है, उनका जो भी है भाई। नहीं हो, जो जो नहीं जो है ठीक है, फिर चले त्यौहार पे पाबंदी लगा दें, होली पे पाबंदी लगा दें, पूजा यूनिवर्सिटी में कर लें। पूजा ऐसा तो हुआ ही नहीं है ना, होली देखे ना, मैं कुछ सुने, मैं आपको बताता हूँ। आपने सवाल किया कि उन्होंने क्या किया, ठीक है, उन्होंने पूरे पाकिस्तान में होली मनाने पर पाबंदी नहीं लगाई हिंदुओं को, उन्होंने यूनिवर्सिटीज में कहा कि यूनिवर्सिटीज में हमारे इस्लाम में ये माना है कि आप होली, हम इसको ऑफिशियली जो गवर्नमेंट है ना, वो हम इसको इजाज़त नहीं दे सकते। एक होता है हिंदू ना हिंदू, मैं आपको एक बात बताऊँ, ठीक है, हिंदू कुफर और इस्लाम इस वक्त दो चीज़ें हैं दुनिया में, एक इस्लाम है और एक कुफर है। हम ये नहीं कह सकते कि कुफर इस्लाम को ये इजाज़त देता है तो हम जो इस्लाम है ना वो कुफर को इजाज़त देगा तो फलां कर लें। ये कहीं पे भी इस्लाम में शरीयत में इजाज़त नहीं है कि आप उनको अगर वो उधर नमाज अदा करने देते हैं तो आपको उनको इजाज़त दें तो फिर वो यूनिवर्सिटी में अपना मंदिर बना लें, अपनी पूजा। सवाल को नहीं समझे, पहले आपने लॉजिक ये दिया, देखिए मेरा सवाल करना फर्ज है, पहले आपने लॉजिक ये दिया है कि भाई त्यौहार में और जो है नमाज में फर्क है, नमाज इबादत है, ठीक है, ऐसे हमारी जैसे इबादत नमाज है, उनकी इबादत वो है अपना इबादत करना, पूजा करना, तो पूजा कर सकते हैं। आप देखिए कोई एक बंदा उठकर खड़ा हो, क्लास चल रही है हिंदुओं में, हिंदुओं में चल रही है क्लास, फर्ज करें वहां पर एक बंदा मुसलमान खड़ा होता है, मुसलमान खड़ा होता है, वो कहता है जी मैंने नमाज अदा करने के लिए जाना, मुझे इजाजत दी जाए, तो क्या कहेंगे? जाए आप, फर्ज करें वो कह देते हैं जी जाए आप। इधर हिंदू खड़ा होता है, वो कहता है जी मेरी पूजा का वक्त हो गया, उस्ताद को कहता है हमारे मुसलमान को, ठीक है, तो उस्ताद क्या कहेगा? रहने दे नहीं बैठा, इजाजत नहीं है, पाबंदी लगा दी गवर्नमेंट ने, ऐसा क्या कहेंगे? जाए पूजा वो कहेगा जाए आप अपनी इबादत करें। यूनिवर्सिटी के अंदर पूजा हो सकती है, बात कर रहा हूँ मैं कि यूनिवर्सिटी में आप कह रहे हैं पूजा हो सकती है, यूनिवर्सिटी में मंदिर नहीं है, कभी एक मंदिर बना तो फिर मस्जिद उन्होंने बनाई है यहाँ पे, मस्जिद बनी हुई उनकी यूनिवर्सिटीज में, बहुत सारी जगह होती है। आप देखिए ना इस्लाम में और कुफर में आपको बता रहा हूँ फर्क है, ठीक है। एजुकेशन के वाले से मैं बात कर लेता हूँ, हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, वो जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं बच्चे ही है ना, ठीक है। अच्छा उनको हम क्या सिखा रहे हैं कि भी वो गलत है ना, इस्लाम जो कहता है ना, इस्लाम तो एक पोलाइट तरीके से फैलाया गया ना, मज़हब जो हमारा है वो पोलाइट, इस्लाम तो एक ऐसा है मज़हब कि वो बहुत सिंपल और पोलाइट तरीका है, ठीक है, अमन का पैगाम, अमन का पैगाम है। किसी के मजहब को हम किसी के मजहब को बुरा कहेंगे तो वो हमारे मजहब को भी बुरा कहेंगे, तो ये अल्लाह ताला ला इलाहा इल्लल्लाह आप देखें कह रहे हैं आप बुरा, फिर मैं उनको क्या कहूँ? नहीं सर ये बताएं हमारे, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये शायद मेरे सवाल को नहीं समझ रहे हैं, आपकी बात को समझ रहे हैं, मेरी बात नहीं, आप ये बताएं मजहब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए या नहीं? आप मेरी बात सुने, मजहब की रिस्पेक्ट आपने क्या पढ़ा हुआ है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला फरमाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है। सर मैं ये नहीं कह रहा आप उनके मजहब को माने, मैं कह रहा हूँ रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट ये होती है कि अगले बंदे को आप इज्जत दे रहे हैं तो देनी आप इज्जत, यानी इस्लाम में ये नहीं है कि इज्जत दें किसी के मजहब को, किसी के मजहब को आप एक मुशरिक को इज्जत देंगे जो कहेगा कि अल्लाह के साथ शरीक होता है, और जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराए आप उसको इज्जत देंगे? सर आप इस, मैं तो देखे उन्हें शायद मेरे वैसे वैसे वो कहते हैं आप सवाल जो भी करें, लेकिन आपने ऑथेंटिक जवाब नहीं दिया। फिर कहते हैं कि हिंदुस्तानी हमें गाली देते हैं, तो गाली खाने के काम करते हो भाई, फिर ये कहते हैं कि दुनिया हमारी इज्जत क्यों नहीं करती, तो दुनिया कहाँ से इज्जत करेगी? तुम इज्जत करवाने लायक काम तो करो, तुम तो गाली खाने के काम करते हो। और हाँ गाली से याद आया भाई, कमेंट सेक्शन में गाली मत लिखिया कीजिए, वो फिल्टर हो जाती है, स्पैम में चली जाती है, ना हैशटैग लगाया करो, ना ज्यादा इमोजी यूज किया करो, वो सारे कमेंट स्पैम चले जाते हैं। फिर आप लोग मुझ पर आरोप लगाते हो, मैं डिलीट करता हूँ, मैं नहीं करता भाई, मैं तो आपको कहता हूँ ज्यादा ज्यादा कमेंट करो, साफ सुथरे करो, अच्छे करो। तो इन जाहिलों को आप भी सबक सिखाइए, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिए, और आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।